तिहाड़ जेल से मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। केजरीवाल इस वक्त सवालों के घेरे में हैं और लगातार बीजेपी की ओर से मांग यही की जा रही कि कम से कम अब सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कर देना चाहिए। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ईडी इस बात को लेकर पहले ही सवाल उठा चुकी थी कि सुख सुविधाएं तमाम तिहाड़ जेल के भीतर सत्येंद्र जैन को मिल रही है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया पहले। बिल्कुल, देखिए ईडी लगातार कोर्ट को भी ये बता रही थी कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के अंदर वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। बकायदा ईडी ने ये सभी जो पूरे सीसीटीवी हैं वो तिहाड़ जेल प्रशासन से लिए थे, जिसके अंदर ये प्रूफ होता है कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट वहां पर दिया जा रहा था, कैसे उनकी हेड मसाज फुट मसाज वहां पर की जा रही थी। यही कारण था कि अब से कुछ दिनों पहले ही जो डीजी तिहाड़ है उनको तिहाड़ जेल से हटा दिया गया था और इसके अलावा जो सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार थे उनके समेत 58 लोगों का तिहाड़ जेल से सस्पेंड कर दिया गया था। तो पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ईडी कर रही थी। ईडी ने लगातार कोर्ट को यह बात बताया कि कैसे जो सबूतों से छेड़छाड़ जो है वो सत्येंद्र जैन कर रहे हैं, बकायदा तिहाड़ जेल के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं। यही कारण था कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो सत्येंद्र जैन है उनकी जो बेल एप्लीकेशन था उसको भी पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था और अब बीजेपी की ओर से ये मांग की जा रही है अतुल कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल से शिफ्ट करना चाहिए, नहीं तो आगे भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।